महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। कर्ण से भी महान योद्धा वीर बर्बरिक थे, लेकिन उन्हें युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला था। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया था। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन उसने युद्ध नहीं लड़ा तो उसकी महानता कैसे साबित होती। द्रोण, भीष्म और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो देवता थे। दरअसल कर्ण ही एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी खुद को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में साबित किया। तो आइए जानते हैं कर्ण के बारे में वह तथ्य जिनके कारण उन्हें एक महान योद्धा माना जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो आइए जानते हैं दानवीर कर्ण के बारे में। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी स्वयं थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन के अलावा और कोई नहीं था। अर्जुन पूर्व श्री कृष्ण पर निर्भर थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर निर्भर था। गुरुद्रोण ने कर्ण को वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडव और कौरवों को दी थी। फिर वे कर्ण ने परशुराम जी से बची हुई शिक्षा छल पूर्वक हासिल कर ली थी। यह बात समझने योग्य है कि यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। यह बात हम सभी जानते हैं कि कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब जान गया था कि उसकी माता आखिर कौन है और उसके भाई पांच पांडव हैं, तब भी उसने मरते दम तक अपनी मित्रता का धर्म निभाया था। भगवान श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हत्या लेने के बावजूद भी कर्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध को एक महान योद्धा की तरह लड़ा और अर्जुन को बराबर की टक्कर दी थी। श्री कृष्ण की मदद लेके भीम ने जरासंध का वध किया था, लेकिन उससे पहले ही कर्ण ने जरासंध को अकेले ही युद्ध में हरा डाला था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके चार पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान कई ऐसे मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर और सहदेव के साथ हुआ। अगर वो चाहते तो उन सभी को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस ध्रुपद को 100 कौरव मिलके हरा नहीं सके थे, उसी ध्रुपद को दिग्विजय के दौरान कर्ण ने अकेले ही हराया था। राजा भगदत्त जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा सके थे, उसे भी कर्ण ने अकेले ही हरा डाला था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे वासुदेव, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी पश्चाताप में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन के रथ का पहिया कुछ इंच पीछे जा रहा था, अब अर्जुन के रथ पे बैठे भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मेरे बाण से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, लेकिन तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराजा शैल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर तो यानी भगवान नारायण और महाबली हनुमान स्वयं बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया, और अर्जुन तुम स्वयं सोचो कि महाबली हनुमान अगर तुम्हारे रथ पे नहीं होते तो तुम्हारे रथ का क्या होता। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि दानवीर कर्ण आखिर कितने महान योद्धा थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए हमारी जानकारी आपके पास जल्दी आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।